नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंदों की सेवा के लिए मीरचंदानी परिवार के पुष्पहरी ट्रस्ट द्वारा गुरुजी सेवा न्यास को बुधवार को एम्बुलेंस सौंपी गई। इस दौरान सांसद लालवानी ने न सिर्फ फीता काटकर एम्बुलेंस की शुरुआत की बल्कि खुद ने एम्बुलेंस चलाई। लॉकडाउन के दौरान इंदौर को एम्बुलेंस की कमी का सामना करना पड़ रहा था। सामान्य मरीजों को एम्बुलेंस के लिए करीब 3 से 4 दिन इंतजार करना पड़ रहा था। इसी के चलते आर्थिक रूप से कमजोर की सेवा के लिए मीरचंदानी परिवार के पुष्पहरी ट्रस्ट द्वारा गुरुजी सेवा न्यास को एम्बुलेंस सौंपी गई है। वहीं इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने फीता काटकर एम्बुलेंस की शुरुआत कर एम्बुलेंस चलाई। इस दौरान ट्रस्ट से जुड़े दीपक बाबा ने बताया कि नर सेवा नारायण सेवा के भाव से गुरुजी सेवा न्यास के कार्य चलते हैं। इसी आधार पर एम्बुलेंस गुरुजी सेवा न्यास को दी गई है। सेवा न्यास का बहुत बड़ा प्रकल्प बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे शुरू हो गया है। उसके अंतर्गत इस एम्बुलेंस का संचालन किया जाएगा। इस कार्य में मुस्कान ग्रुप और सिंधी युवा मोर्चा की भी सहभागिता रहेगी। सांसद ने ट्रस्ट द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की, साथ ही कहा कि ये एक नया आयाम है जो नए सेवा कार्य में जुड़ रहा है। देखिए, अभी जिस प्रकार की स्थितियां बनी, हमने लॉकडाउन के समय हमने देखा, इस कोरोना के समय आपको ध्यान हो, मैंने सोशल मीडिया पे एक बार इंदौर की जनता से अपील करी थी कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस की कमी है, क्योंकि बहुत सारी एम्बुलेंस जब कोविड में लग रही थी तो सामान्य पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। ऐसे भी समय आया जब कोविड के पेशेंट के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, दो दो तीन तीन चार चार घंटे इंतजार करना पड़ रहा था और पेशेंट परेशान हो रहा था। तो हमने जनता से अपील की थी, कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ दी थी और ऐसा ही हमने देखा था कि उस समय शव वाहन भी उपलब्ध नहीं थे। तो ये ऐसी एक आवश्यकता है कि जो कभी हमको ऐसा लगता है पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी पड़ सकती है, तो उसके लिए एक सुविधा होना चाहिए। क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए आप कहीं जाना हो, उसके लिए बस उपलब्ध हो, गाड़ी उपलब्ध नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, कोई बीमार है, तो उसके लिए तो एक एक मिनट का सवाल रहता है जिंदगी और मौत के बीच में, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है और ये बहुत पुण्य का काम है। मैं तब तक हो जाएगा आज मीरचंदानी परिवार द्वारा एम्बुलेंस का लोकार्पण गुरुजी सेवा न्यास को दिया गया है और इस सेवा के कार्य में लगने वाली एम्बुलेंस गुरुजी सेवा न्यास के माध्यम से शहर में सेवा का काम करेगी। मीरचंदानी परिवार का जो ट्रस्ट है वो हमेशा शहर के विकास के लिए, कुछ आपदा के लिए, चाहे कोविड की आपदा हो या अन्य आवश्यकता हो समाज की, वो हमेशा अग्रणी रहता है और सहयोग करता रहता है। और आज मीरचंदानी परिवार का ट्रस्ट, गुरुजी सेवा न्यास और मुस्कान ग्रुप सबने मिलकर इस वैन को, जो कि सेवा कार्य में लगेगी एम्बुलेंस, उसका इंदौर में समर्पित किया है। और मुझे लगता है कि ये एक नया आयाम है जो कि सेवा कार्य में जुड़ रहा है और ऐसे ही इंदौर एक ऐसे शहर रहे जहां सब आगे रह के सेवा कार्य में लगते हैं, उसका ये उदाहरण है। आज उसका लोकार्पण हुआ है। देखिए, गुरुजी सेवा न्यास बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे एक हम आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रकल्प शुरू होने वाला है। अभी भी प्रकल्प शुरू हो गया है छोटे स्तर पर आने वाले दिनों में बड़ा प्रकल्प चालू होने वाला है और ये सभी हॉस्पिटल से संबंधित रहेगा। आमतौर पर जो लोकार्पित चीजें की जाती है, पुष्पहरी मीरचंदानी ट्रस्ट की तरफ से ये छोटी सी भेंट हम इंदौर के जो सेवाधारी ट्रस्ट है उनको दे रहे हैं, मुस्कान, सिंधु सेवा मोर्चा और गुरुजी सेवा न्यास, बल्कि गुरुजी सेवा न्यास को ये एम्बुलेंस काम आएगी। इनके प्रकल्प में जो बहुत ज़ोर शोर से वहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे शुरू हो गया है, तो मैं समझता हूँ वी आर थैंकफुल फॉर गिविंग इट फॉर सच अ गुड कॉज। एक अच्छे काम के लिए हम दे रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। विजय मीरचंदानी, मैं ट्रस्टी हूँ पुष्पहरी मीरचंदानी ट्रस्ट में। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल